बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 रेनबो लेसन 1 लर्निंग टुगेदर एक कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, उसका मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी कविता है। बच्चों देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टीचर हैं, या आप पढ़ने आएंगे सिक्स क्लास में, जब आते हैं तो आपके लिए नई क्लास होती है ये, और आप जूनियर में पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आप फन करते हैं, सीखते हैं, और आप आगे की कक्षाओं में जाते हैं। तो जब आप कक्षा 6 में आते हैं तो किस प्रकार से फन करते हैं, सीखते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं लर्निंग टुगेदर, ठीक है, कविता के बारे में, सिक्स ग्रेड। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक लाइन से, ठीक है। सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, मतलब जो छठी श्रेणी है, छठी कक्षा है, छठी श्रेणी क्या है, सिक्स ग्रेड, छठी श्रेणी इज अ स्पेशल प्लेस, ये विशेष स्थान है बच्चों। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, देखिए मतलब मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो, है ना, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो, क्योंकि क्यों देखोगे, क्यों देखो, क्योंकि सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। सिक्स ग्रेड क्या है, एक विशेष स्थान है। आवर क्लास इज ग्रेट टीम, हमारी जो कक्षा है वो एक महान टीम है, क्योंकि कक्षा क्या होती है, टीम की तरह होती है। वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर को क्या करते हैं, खुश रखते हैं। बीम मतलब होता है बच्चों खुश रखना, ठीक है, बीम का मतलब क्या होता है, खुश रखना। वी मेक अवर टीचर, हम अपने टीचर को रखते हैं क्या, बूम, बीम मतलब खुश रखते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं ईच बिजी डे, क्या करते हैं, हर रोज, जो बिजी डे मतलब होता है व्यस्त दिन, हर एक व्यस्त दिन हम क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर हम मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, पहले खूब मेहनत करते हैं फिर मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन इज़ फन बच्चों, क्या है, गुणा जो है वो एक मज़ेदार चीज, मज़ा आता है गुणा करने में, यानी एक फन है, एक प्ले है, एक मज़ा आता है उसको करने में, गुणा करने में। 9 times 9 is 81, 9 × 9 कितना होता है बच्चों, 9 times 9 is 81, 9 × 9 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, और क्या सीखते हैं, मैथ के फैक्ट्स को सीखते हैं, यानी कि मैथ के तथ्यों को सीखते हैं। 1 through 10 यानी 1 से 10 तक जो गिनतियां होती हैं ना, वो मैथ फैक्ट्स को हम सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन अगेन, और बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। आगे देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, मौज कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद खेलते भी हैं स्कूल के अंदर ना। तो प्ले ए गेम, सिंग ए सॉन्ग, क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, सिंग ए सॉन्ग, गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल द ईयर, पूरे साल बहुत मौज मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, किताबें पढ़ते हैं। पोएम टू से, पोएम कहते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर रोज नई चीज़ें सीखते हैं हम स्कूल के अंदर। आगे देखिए बच्चों, रीडिंग पढ़ते हैं, राइटिंग लिखते हैं, स्पेलिंग टू, और स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्पेलिंग होते हैं, जो बर्तनी होती हैं, उनको भी सीखते हैं। सो मच टू लर्न, बहुत कुछ सीखने को है, होता है डेली, बहुत कुछ सीखने को होता है। मस्ट टू डू मतलब मस्ट टू लर्न, यानी इतना कुछ सीखने को होता है, बहुत कुछ सीखने को होता है, इतना कुछ सीखने को होता है और इतना कुछ करने को होता है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ते हैं। वी इवन लर्न अबाउट द ओशियंस बिलीव, और हम ओशियंस यानी महासागर जो हैं, नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। उसके बाद वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, और हम क्या करते हैं, पूरे साल के अंत तक बहुत मेहनत करते हैं। वी ऑल क्लासमेट्स, वी आर क्लासमेट्स, हम सब सहपाठी हैं, एंड गुड फ्रेंड्स, और सब अच्छे दोस्त भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमें अपनी प्रगति पर बहुत भरोसा, बहुत ज़्यादा क्या है, गर्व है, हमें अपनी प्रगति पर गर्व है कि हमने जो इस क्लास सिक्स में आए, हमने जो प्रगति की, जो सीखा, उस पर हमें गर्व है। वी आर प्राउड, हमें गर्व है किस पे, ऑफ द प्रोग्रेस मतलब अपनी प्रगति पर, वी हैव मेड जो हमने पाई है, जो हमने की है।
वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सेवेंथ ग्रेड, हम सातवीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं. वी आर गेटिंग रेडी मतलब हम तैयार हो रहे हैं फॉर द सेवेंथ ग्रेड, यानी कि सेवन्थ श्रेणी के लिए, सातवीं श्रेणी के लिए. सिक्स ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, यानी कि छठी श्रेणी जो है एक विशेष स्थान है बच्चों. एंड सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आप देखते हैं. तो ये थी आपकी कविता बच्चों, इसका मैंने पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद आपको करवाया है. चलिए इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं. देखिए कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड हैं, ग्रेड. हाँ तो बच्चों हम लोग यहाँ वर्ड मीनिंग देख रहे थे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेड है. ग्रेड का मतलब क्या होता है, श्रेणी, यानी कि सिक्स ग्रेड, यानी कि सेवन्थ ग्रेड, एट ग्रेड है ना, बोलते हैं ना एट क्लास, सेवन्थ क्लास, सिक्स, ऐसे ग्रेड होते हैं. बीम, बीम का मतलब क्या होता है बच्चों, खुश करना, यानी खुश रखना. और यार्ड का मतलब क्या होता है, मैदान, जो कि हमारे स्कूल के अंदर मैदान है या कोई भी मैदान हो उसको यार्ड बोला जाता है. फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य बोलते हैं बच्चों. ओशियन का मतलब महासागर, बड़े बड़े महासागर होते हैं ना, उसी प्रकार से जैसे कि प्रशांत महासागर है ना, अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, ये सब क्या है, ये सब हमारे महासागर हैं. ठीक है, इसके अलावा इंडियन, यानी कि इंडियन ओशियन, वो भी सब क्या है, भारतीय महासागर. इस प्रकार से बहुत सारे महासागर होते हैं. प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब प्रगति होती है बच्चों. ठीक है, तो ये सब थे हमारे वर्ड मीनिंग्स. और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.